हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर लेंथ स्टेप कट के ऊपर, जो कि ये कटिंग का फाइनल लुक है। काफ़ी प्यारा हेयर कटिंग हुआ था। सो इस तरीके की हेयर कटिंग को सीखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें एंड वीडियो को फुल वॉच करें। इनकी लेंथ आप देख सकते हैं कितनी शॉर्ट है। यही लेंथ के साथ हम इस हेयर कटिंग को कंप्लीट किए थे एंड लेंथ हम बिल्कुल भी कम नहीं किए हैं और कटिंग भी काफ़ी अच्छा हुआ था एंड बहुत ही कम समय में। सो इनकी हेयर पे मैं बिल्कुल नॉर्मल वाटर से हेयर को गीले की हूँ एंड डिटेंगल कर लूँगी। डिटेंगल करने के बाद कुछ सेक्शन बनाऊँगी ताकि हमें कटिंग करने में इजी हो एंड किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको भी अच्छे से हेयर कटिंग समझ में आ जाए। लेंथ काफ़ी शॉर्ट है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और इस तरीके से कुछ हम सेक्शन बनाए हैं जो कि नेक एरिया से हेयर कटिंग को स्टार्ट करेंगे। सो जो भी लेंथ हम कम करते हैं बिल्कुल यहाँ से ही करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच की लेंथ को हम कम किए हैं। ये रहा हमारा वन लेंथ। हेयर कटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है वन लेंथ करना। उससे क्या होता है कि हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है कि लेंथ हमें कितना रखना है। जब तक हम लेंथ डिसाइड नहीं करते हैं, कटिंग करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि हमें हेयर की लेंथ कितनी रखनी है एंड हमारी हेयर कितनी शॉर्ट हो रही है। सो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेंड्स, कभी भी हम हेयर कटिंग करते हैं तो सबसे फर्स्ट में हम वन लेंथ करते हैं, जो कि हमारी एक तरह से देखा जाए तो गाइडलाइन बन जाती है। अब इसी गाइडलाइन के साथ हेयर को हम कट करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप, जो कि इस पे हम लेयर कट किए हैं। सबसे शॉर्ट वाले हेयर हमारा मिलता है, उसके साथ हेयर को मर्ज करती हूँ। आप इस तरीके से अगर हेयर कटिंग करते हैं तो कितनी प्यारी लेयर आती है। जिस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, उसी तरीके से हम सारे हेयर पे लेयर कंप्लीट करेंगे, जो कि बिल्कुल गाइडलाइन के साथ में। कभी भी हेयर कटिंग हम करते हैं तो गाइडलाइन भी साथ में लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमें एक गाइड मिलती है कि हमें हेयर को कितनी कट करनी है, जो कि आप देख सकते हैं जस्ट सामने लाकर हेयर को कट की हूँ। बिल्कुल नीचे नीचे अगर आपको स्टेप चाहिए तो इस तरीके से हेयर कटिंग करेंगे। सो काफ़ी प्यारा हेयर कटिंग होने वाला है। जैसे कि हमारी स्टूडेंट भी थी, मैं उनको बता रही थी कि किस तरीके से हम लेयर को कट करेंगे, तो हमारी लेयर बिल्कुल नीचे नीचे तक की आएगी एंड थोड़ी सी हैंड को ऊपर करेंगे और थोड़े और हेयर को कट करेंगे सो हमारी लेयर बिल्कुल ऊपर से आएगी। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं एंड आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि आपको कितनी लेंथ तक लेयर चाहिए एंड आप किस तरीके की कटिंग लेना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं 5 से 6 इंच तक की हमारी लेयर कंप्लीट हुई है एंड लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी लेयर जो है मीडियम में आएगी। सो शोल्डर लेंथ हेयर कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स, स्टेप कट इस तरीके से अगर आप करते हैं तो काफ़ी प्यारा हेयर कटिंग होने वाला है, जो कि कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आप गाइडलाइन मिक्स करें, जैसे कि ये वाला गाइडलाइन हम मिक्स किए हैं ऊपर वाले लेंथ में, जो कि हमारा वहाँ से गाइडलाइन दिखेगा और उसके साथ हेयर को मर्ज करूँगी। सो ऊपर जाते जाते हेयर थोड़ी सी शॉर्ट होती है। बहुत लोग होते हैं कि सामने से बैठे रहते हैं तो कस्टमर बोलते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही हेयर को शॉर्ट कर रहे हैं। सो वही स्टेप जब हम फाइनल दिखाते हैं, स्टेप फाइनल कटिंग होने के बाद, सो उनको काफ़ी प्यारा लगता है एंड वो काफ़ी हेयर कटिंग को पसंद करते हैं। सो इस तरीके से जिनको हेयर कटिंग नहीं आती है एंड इस तरीके से अगर देख रहे हैं तो उनको थोड़ी सी लगेगी कि काफ़ी ज़्यादा हेयर कट हो गया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको स्टेप लेना है और स्टेप दिखनी चाहिए हेयर पे, तो ऊपर वाली हेयर जो होती है थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तभी हेयर कटिंग कंप्लीट दिखती है। तो साथ में हम नोजिंग भी देते हैं। आप इस चीज़ को गेस किए होंगे कि हम सारे हेयर कटिंग के वीडियो डालते हैं, कुछ कमेंट भी आया था कि आप एक ही तरह का वीडियो डालते हैं। सो हाँ, हमें बहुत ही अच्छा लगता है हेयर कटिंग की वीडियो डालने में एंड हेयर कटिंग हमारी सबसे फेवरेट है। सो कुछ रीज़न भी है कि हम कुछ अलग अलग वीडियो नहीं लाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो फेस रिवील करना नहीं चाहते हैं। सो मैं मसाज फेशियल का वीडियो नहीं अपलोड कर सकती हूँ एंड कुछ लोग होते हैं कि अगर फेस दिखाना चाहते हैं सो मैं उनका कर सकती हूँ, बट कुछ रीज़न होता है, कभी भीड़ होता है सो मैं नहीं कर पाती हूँ। सो आपको हेयर कटिंग मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी, जो कि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं हेयर कटिंग की वीडियो को। बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला एंड हमें भी अच्छा लगता है कि इस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं विदाउट फेस का। सो काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है एंड इस वीडियो को लोग पसंद भी करते हैं। एयर टू एयर वाले सेक्शन को आप देख सकते हैं हम किस तरीके से कट कर रहे हैं, बिल्कुल जस्ट सामने लाकर।
बिल्कुल हल्के हल्के हेयर को कट की हूँ और बहुत ही अच्छा लेयर आया था। एंड फाइनल लुक तो आप देख ही चुके हैं कितनी प्यारी हेयर कटिंग हुई थी। सो बहुत ही कम समय में इस वीडियो में आपको हेयर कटिंग सीखने को मिली जो कि शॉर्ट हेयर पे, बहुत लोग बोलते हैं कि लॉन्ग हेयर पे कटिंग अच्छी लगती है, शॉर्ट हेयर पे नहीं, शॉर्ट हेयर पे भी कटिंग अच्छी लगती है अगर आप अच्छे तरीके से हेयर को कट करते हैं तो। नीचे के हमारे हेयर कंप्लीट हुए एंड साइड वाले सेक्शन को भी मैं कर ली हूँ एंड मेरा रह गया क्राउन सेक्शन जो कि मेन पार्ट होता है। तो क्राउन सेक्शन के हेयर पे मैं बिल्कुल अच्छे से नोजिंग दूंगी ताकि ये वाला लेयर काफ़ी प्यारा है। सो इसे हम एक साथ ही सारे हेयर को उठाई हूँ जो कि थोड़े से थिकनेस है यहाँ पे एंड अगर आप चाहें तो अच्छे से कर भी सकते हैं। शॉर्ट ही हेयर हम कट कर रही हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा, हमें ज़्यादा हेयर को शॉर्ट नहीं करना है। अच्छे से कॉम करूँगी, कॉम बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, कहीं से भी हेयर इधर उधर ना हो। एंड बिल्कुल हल्के हल्के हेयर को कट करने के बाद मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से डीपली नोजिंग करती हूँ ताकि बहुत ही प्यारा हेयर कटिंग हो। सो इस तरीके से हमारा हेयर कटिंग हुआ कंप्लीट जो कि आप इस वीडियो में अच्छे से देख पाए होंगे कि हम किस तरीके से इस हेयर को कंप्लीट किए हैं। अब मैं थोड़े से रीचेक कर लूँगी जो कि साथ में, अगर आप रीचेक नहीं करते हैं सो आप लास्ट में भी रीचेक कर लें जैसे कि मैं करती हूँ। बिल्कुल लास्ट में कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी मैं इस हेयर को अच्छे तरीके से कॉम करके चेक करूँगी कि हमारा हेयर बिल्कुल इक्वल हुआ या नहीं। सो इसे हम सारे हेयर को एक साथ तो नहीं पकड़ पाएंगे, ये रीचेक नहीं हो पाएगा। सो मैं 2 सेक्शन में फ्रंट ला कर रीचेक कर ली हूँ और उसके बाद मैं एक बॉक्स एरिया बनाई हूँ, बॉक्स सेक्शन को अच्छे से रीचेक करूंगी और यहाँ पे हम डीपली नोजिंग दूंगी। नोजिंग देने से क्या होता है कि लेयर बिल्कुल परफेक्ट दिखता है एंड इस तरीके से हेयर कटिंग को करने में काफ़ी कम समय लगता है। एंड फाइनल कटिंग हमारा कंप्लीट हुआ जो कि इस वीडियो में आपको देखने को स्टार्टिंग में मिली थी कि ये वाला हेयर कटिंग हम कैसे कंप्लीट किए थे। सो इस हेयर पे जो मैं ब्लू ड्राई की थी उसकी वीडियो तो नहीं ला पाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और आप लोग थोड़ा सा देखकर स्किप कर देते हैं। अगर आपको हेयर कटिंग सीखनी है, बिगनर्स हैं आप, हेयर कटिंग अभी स्टार्ट किए हैं, सो वीडियो को पूरा देखें एंड हमें उम्मीद है कि जिनकी नीड होती है कि हमें काम सीखना है वो वीडियो को फुल वॉच करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, खूब सारा शेयर करें एंड हमारे चैनल पे इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साइड में बेल आइकन की घंटी होती है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे एंड कोई भी वीडियो हमारा आप मिस नहीं कर पाएंगे। सो काफ़ी प्यारा हेयर कटिंग हम किए थे, इसमें बहुत ही कम समय लगा था। सो इस तरीके से अगर हेयर कटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी। एंड मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।